बहुत अच्छा लग रहा है, झूला झूल रहे। आप बताइए तो सब बोलना चाहिए कुछ रोड बारे में। हवा चल रहा है, बस गड्ढे बहुत हैं। हाँ। कैसी लगी रोड? रोड तो बहुत खराब है। हाँ। रोड यार अच्छी है ही नहीं। हाँ। तो क्या करी, अब हम डूब डूब मरी। दोस्तों ये कह सकते हैं छोटा स्विमिंग पूल बनवा दिए, नीलांश जाने की जरूरत नहीं है इस हिसाब से। तो रोड के बारे में क्या, रोड जो है सही है नहीं और गड़बड़ रोड बहुत है, बहुत गड़बड़ है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये सुगम हो पुरवा से लेके बजरंग चौराहे तक बिल्कुल खराब है, सड़क बिल्कुल ध्वस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। ना कोई नहीं। नमस्कार, मैं इसमें राजधानी लखनऊ में खड़ा हूँ। जी हाँ, मैं राजधानी लखनऊ में हूँ। लखनऊ एक VIP शहर के रूप में जाना जाता है अगर बात की ले, क्योंकि लखनऊ में, ये लखनऊ में इंदिरा नगर में हूँ और सुगमऊ रोड पर हूँ। आप देख लीजिए, जरहरा और सुगमऊ रोड पर हूँ, जरहरा के पास हूँ। और आप यहाँ पर रोड की हालत देख लीजिए, ये लखनऊ BBIP, लखनऊ की BBIP रोड है और लोग कैसे निकलते हैं। आपको बता रहा हूँ कि बरसात के दिनों में लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। और देख लीजिए यहाँ पर कैसे रोज लोग निकलते हैं रोडों से, और बरसात का पानी भरा होने की वजह से लोगों को अनुमान नहीं लग पाता है कि आखिरकार यहाँ पर गड्ढा है या फिर रोड समतल में है, तो बहुत सी दिक्कतें होती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर चलिए दिखाएंगे, कुछ लोग आसी पास के लोग हैं, इस बात कर लेते हैं। देख लीजिए ये लखनऊ की रोड है, मतलब आप ये लखनऊ को BBIP शहर कहा जाता है। और यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, बरसात के मौसम सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कुछ लोग राहगीर आ रहे हैं, चलिए मैम से पूछ लेते हैं कि आखिरकार इन्हें रोड पर चल रहे तो उनको कैसा लग रहा। संगीता, दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे रोड के बारे में? रोड के बारे में क्या कहें, ये रोड अब देख ही रहे हैं आपकी। ये सुगम हो पुरवा से लेके बजरंग चौराहे तक बिल्कुल खराब है, सड़क बिल्कुल ध्वस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। ना कोई नहीं, ना कोई विधायक सुनता है और ना कोई पार्षद सुनता है। बरसात में जैसे दिक्कत होती है, हम लोग भगवान भरोसे हैं, घर पहुँच गए तो समझ लीजिए ऊपर वाले की देन है। अच्छा जी, तो आप विधायक से आपने कहा कुछ बात नहीं की? विधायक ने क्या कहा? विधायक जी से हमारी अभी परसों भी बात हुई है। उन्होंने विधायक यहाँ के ये है, क्या नाम है, मिश्रा शुक्ला जी। अच्छा, योगेश शुक्ला जी। जी, योगेश शुक्ला जी हैं, भाजपा के विधायक हैं जी। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो मेरी बातचीत हुई है। चलिए ठीक है, रोड के बारे में दो शब्द कहिए, कैसे व्याख्यान करेंगे इस रोड का? रोड बहुत ही खराब है। तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है। हाँ। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो आते जाते हैं परमानेंट? तो कैसे निकलते हैं फिर आप इस रोड से? अब वही गड्ढे में निकलेंगे। अच्छा, गड्ढे में निकलेंगे। चलिए कुछ लोग आसपास के लोग हैं, ये आपसे बात कर लेते हैं, एक मिनट आ जाइए। इस रोड के बारे में क्या, रोड जो है सही है नहीं और गड़बड़ रोड बहुत है, बहुत गड़बड़ है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे फिर आते हैं इस बरसात इस रोड में? बस ऐसे ही पानी भरा हुआ है, गाड़ी को बचा के निकालते हैं आराम से, आराम से, मतलब जान जोखिम में डालकर। हाँ। चलिए ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, ये कहीं और के नहीं, आपके उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु शुक्ल। क्या कहेंगे आप इस रोड के बारे में दो शब्द? दो शब्द ये कह सकते हैं छोटा स्विमिंग पूल बनवा दिए, नीलांश जाने की जरूरत नहीं है इस हिसाब से। तो कितनी दूर से आ पा रहे हैं? मैं तो आ रहा हूँ भैया 4-5 किलोमीटर से। रोड आगे बनी किसी तरह है? बस ऐसे ही चल रहा है, चौराहे के बाद थोड़ा सा कंडीशन बेटर है। पर जहाँ पर ऐसे आप स्कूली छात्र भी नजर आ रहे हैं? हाँ, मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं? हाँ। इसी स्कूल से, इसी रोड से जाते हैं? नहीं, मेरा इधर नहीं पड़ता है, मेरा मटियारी पड़ता है। हाँ। फिलहाल दो काम से आया था। कोई लेकिन फिर रोड गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। चलिए मैम बात कर लेते, दादा दो मिनट दादा आपसे बात कर लेते हैं। कैसी लगी रोड? रोड तो बहुत खराब है। हाँ। रोड यार अच्छी है ही नहीं। हाँ। तो क्या करी, अब हम डूब डूब मरी। तो जरहरा गांव में रहती है, जरहरा गांव पहले से खराब है, आज तक की माँ कोई उन्नत नहीं भाई। तो हम लोग हम यहाँ डूब डूब मर रहे हैं, क्या करी। इसी तरह पानी भरा हुआ? हाँ, इसी तरह पानी भरा हुआ है। ये आगे तक वहाँ सब खुदी पड़ी है। हाँ। रोज परमानेंट आते हैं? हाँ, परमानेंट। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, चलिए बात कर लेते हैं कुछ भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये परमानेंट इसी रोड के सामने। क्या, चलिए आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? शिवशंकर। ये रोड की दशा बरसात में कितना पानी भर जाता है? बहुत ज्यादा भर जाता है, आए दिन रिक्शा उल्टा करता है, ई रिक्शा जो बैटरी वाले रिक्शा है। अच्छा, बैटरी वाले रिक्शा। सुगमऊ रोड की, और यहाँ पर BJP के विधायक भी, सांसद भी, लेकिन अगर रोड की हालत देखी है तो रोड की हालत बहुत दयनीय है, बरसात के दिनों में लोग चोटिल होते रहते हैं। बात कर लेते हैं, चलिए ई रिक्शा चालक के साथ कुछ लोग इनसे बात कर लेते हैं। मनोज, क्या कहेंगे दो शब्द इस रोड के बारे में? अरे सर, बहुत खराब रोड है, बहुत खराब रोड है। परमानेंट निकलते हैं ना? हाँ जी, इसी रोड पे हम चलाते हैं। कैसे निकलते हैं फिर? अब निकलते हैं, मजबूरी है, इधर आने जाने का रास्ता है कोई। कितने में, कितनी किलोमीटर रोड खराब है ये? अरे कम से कम 3-4 किलोमीटर खराब है। किनारे कर लीजिए, आप लोग यहीं रहने वाले हैं लखनऊ? बाहर रहने वाले?
अच्छा इस रोड से जा रहे हैं कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? बिल्कुल बेकार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, झूला झूल रहे। आप बताइए दो सब बोलना चाहेंगे उस रोड बारे में? हाँ बंद चल रहा है, बस गड्ढे बहुत है। हाँ। एकदम एक कौड़ी की रोड नहीं है, कौन है यहाँ का नेचर बता जाओ। अच्छा चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे सर ये रोड बहुत जल्दी बनना चाहिए, बहुत खराब है यहाँ पे, बहुत खतरा होते हैं ना। हाँ। इस रोड पे। हाँ। अच्छा ये रिक्शा चालक को क्या दिक्कतें होती है रोड गड़बड़ में? उलट जाता है, पलट जाता है, हर कोई चोटा जाता है। हाँ, सब गाड़ियाँ इधर नहीं आती। वो अगर बात करिए रोड वाकई में बहुत खराब, देखने वाली बात हुई आखिरकार क्या जो मौजूदा विधायक सांसद इस रोड का मुद्दा उठाते हैं या फिर नहीं? यूपीटीपी के लिए सिमस्थिर को